के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। सीएम आज प्रतापगढ़ में अपना दल के प्रत्याशी के लिए जनसभा करने गए। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जब कांग्रेस नेतृत्व कश्मीर के कलंक का कारण बनी धारा 370 को हटाने का विरोध कर रहा हो, मुझे लगता है कि इन स्थितियों में कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल की सदस्यता तो ग्रहण नहीं ही कर सकता है। आपके प्रतापगढ़ की मांग थी बहुत दिनों से कि प्रतापगढ़ के अंदर भी उनका अपना मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रतापगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो चुका है, और हमारा प्रयास होगा अगले सत्र में ओपीडी के साथ साथ यहां पर प्रवेश की प्रक्रिया को भी हम आगे बढ़ा सकेंगे। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का मामला हो या तीन तलाक से सर्वथा मुक्ति के लिए एक कड़े कानून को बनाने का हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के दायरे को बढ़ाने का हो, या फिर आयुष्मान भारत के अंदर हरेक गरीब परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने की कार्रवाई हो, ये सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान हम सबको मात्र 100 दिन की उपलब्धियों के अंदर ही प्राप्त हो पाए हैं। तो हाथरस से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हाथरस पुलिस और एसओजी टीम को सफलता मिली है। 5 चातुर लुटेरों को किया गया गिरफ्तार।